मखसूस नशस्तों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता उल्लाह ताड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यक तरफा रिलीफ से पूरे मुल्क में आइन और कानून की को धचका लगा। क्या मुस्तकबिल में भी इस फैसले को जवाब बनाकर फ्लोर क्रॉसिंग या पार्टी तब्दील की जा सकेगी? जजेस ने लिखा सुनी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद ही नहीं, 15 रोज गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला क्यों नहीं आया? मुअज्जिज जज साहिबान के उठाए गए एतराजात का जवाब आना बहुत जरूरी है। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन समेत 16 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नाले बिफर गए। चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। बोनीगोल में हालात अबतर, पुल बह जाने से मुतअद्दिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। तहसील दरोश में लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद मकानात मुनहदम हो गए। वज़ीरिस्तान टांग का शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद, करके नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई। सिंध में मूसलाधार बारिशों से जलथल एक हो गया, हर तरफ पानी का राज। कोट डीजी में सैलाबी रेले हिफाजती बंद बहाले गए, दर्जनों देहात पानी में गुम। लोग नकल मकानी पर मजबूर, जाम शोरों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। गड़ी घरों में कच्चे मकानात और झोंपड़ियों को नुकसान। नवाबशाह, शहदाद, कोट, मीरपुर खास, नौशहरों, फिरोज, भटशाह और टंडू वलायार के नशेबी इलाकों में पानी का कब्जा। कई नहरों में शगाफ पड़ गए। मेहरापुर में मैयत को बरसाती पानी से ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची के बाद लाहौर में भी धरने का ऐलान। लियाकत बलोच का आज आईपीपीस मुआहिदों पर तफसीलात और ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट जारी करने का ऐलान। कहा आईपीपीस मुआहिदे अवाम के लिए फंदा बन चुके, फौरी नजरसानी की जाए। अस्सलाम।